तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए चलो यारो कुछ खेलते हैं। हाँ चलो चलो पिंकू फोन रख, चलो सीटी खेल के टिफी करते हैं। खेलते भैया ला बैट, बैट ला भाई। गोली क्या हुआ तुझे, चलना टीटी खेलते हैं। क्यों? ओ मैनू लगता है गोली को भूख लगी है। भूखी? गोली पता मुझे क्या सोच रहा है तू? मैं मम्मी पापा के बारे में सोच रहा हूँ। कल तुम लोग ने देखा ना, मुझे क्लिनिक में बैठने को बोल रहे थे, आज का भी वही हाल है। तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? क्लिनिक में दो कुर्सी नहीं है क्या? इधर कोई मजाक चल रहा है भाई, तू क्यों फालतू की बात कर रहा है? तुम चुप रहना। गोली मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या फील कर रहा है, पर तू स्ट्रेस मत ले प्लीज। हाँ हाँ हम सब एक ही बोट में सवारी कर रहे हैं। मेरे पापा को भी यही लगता है कि मुझे उनके साथ जाकर दुकान में बैठना चाहिए। रेंज मेरा तो कुछ अलग ही हाल है। मेरे मॉम डैड चाहते हैं, मेरी एक आंटी ऑस्ट्रेलिया में रहते, तो वो चाहते हैं कि मैं वहां जाके आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे वहां जाना ही नहीं है, मुझे इंडिया में ही पढ़ना है गाइस। एग्जैक्टली पता है फ्रेंड्स, हम सबका सेम ही हाल हो गया है। फ्रेंड्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या प्रॉब्लम? ये है कि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम हंसी मजाक में कहीं हमारे गोल से आउट ऑफ फोकस ना हो जाएं। हाँ टप्पू यू आर राइट, और इसलिए हमारे पेरेंट्स को हमारी फिक्र हो रही है। सोनो उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अभी मेरी MBBS की पढ़ाई पूरे फोकस में चल रही है, आगे जाके मैं बड़ा डॉक्टर भी बनूंगा, आई नो माई गोल, और वो उन्हें भी पता है। Exactly. मैं भी इलेक्ट्रिक गड्डी के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ, और इसी फील्ड में मैंने आगे बढ़ना है, तो मैं बड़ा फोकस्ड हूँ। ऐसे तो फ्रेंड्स मैं भी अपनी पढ़ाई बरोबर से ही कर रही हूँ। फ्रेंड्स आगे जाके तो लाइफ में हमें काम ही करना है, अभी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉय कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ। नहीं तो की प्रॉब्लम ये है कि हर माँ बाप को फिक्र होती है कि पढ़ाई के बाद उनका बच्चे का करियर कैसा होगा, और हमारे मॉम डैड को लगता है कि हम इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, बल्कि मस्ती कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, इसीलिए उनको टेंशन हो रही है। टप्पू तेरी बात तो एकदम सही है, पर अब हम करें तो क्या करें? वही तो पता नहीं चल रहा है फ्रेंड, कि अपने मम्मी पापा को खुश करें या अपनी तरीके से जिए। गोली तू ऐसे अपसेट मत हो, हमें सब बैलेंस करना पड़ेगा। डोंट वरी टप्पू, मेरे मोबाइल में बहुत बैलेंस है। गोगी मैं फोन की बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ में बैलेंस होने की बात कर रहा हूँ। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हमारे पेरेंट्स को कोई फिक्र ना हो, और हम भी आराम से अपनी पसंद का कुछ कर सके। टप्पू यू आर एब्सोल्युटली राइट। टप्पू तू सही कह रहा है, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स भी रिलैक्स रहे और हम भी थोड़े रिलैक्स रहे यार। हाँ यार फ्रेंड्स हम सब मिलकर हंसते खेलते कुछ कर सके, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। ऐसा हम क्या कर सकते हैं? होगी वही तो मैं सोच रहा हूँ, और तुम लोग भी सोचो। एंड डोंट वरी फ्रेंड्स, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ जी हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन तब तक एक टीटी का गेम हो जाए। हाँ चल 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 क्या गया गया गया, तुम लोग ऐसे मत कर यार, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन हिल गया ना यार। ये क्या रो रहा है यार पिंकू, चैंपियन जैसे ही खेलते हैं भाई, बता इसको। वो चैंपियन ऐसे ही खेलते हैं। चैंपियन इन दोनों के ना चीटिंग बहुत बढ़ गई है अभी। तू टेंशन मत ले पिंकू, अब मैं देखता हूँ ये कैसे चीटिंग करते हैं। तेरी सर्वे आजा, मैं बॉल लेके आता हूँ। क्या हुआ कोमल भाभी? देखे ना माधवी भाभी, सुबह हंस ने गोली को इतना समझाया फिर भी अभी क्लब हाउस में खेल रहा है। ये सिर्फ गोली का नहीं पूरी टप्पू सेना का हाल है कोमल भाभी। मुझे तो बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अब चिंता मत कीजिए, मैं इनको कह दूंगी बच्चों से बात करें एक बार। हाँ प्लीज कर लेंगे, अब टेंशन मत लीजिए, चलो खेलते हैं ना। ऑल द बेस्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah! 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 Yeah!
गुड 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 चलो अभी मेरा हाँ बबीता ऑल द बेस्ट चलो थैंक यू फोकस फोकस यस वन टू थ्री फोर वाह वाह बबीता जी वाह अरे वाह शाबाश जेठा जी आपने क्या किया अरे मैंने क्या किया आप जोर जोर से बोल रहे थे तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गया नहीं 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 बबीता जी ये सब बहाना है चाहे कुछ भी हो जाए हमारा कम से कम टूटना ही नहीं चाहिए अच्छा ये लीजिए आप ट्राई कीजिए अभी मैं देखती हूँ आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है कि नहीं मैं आपको चैलेंज करती हूँ आपका स्कोर 10 तक भी नहीं पहुंचेगा देखती हूँ अच्छा चैलेंज यस ठीक है चैलेंज ओके चलिए 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 लेट्स प्ले अरे चाहे कुछ भी हो जाए मेरा वो कंसंट्रेशन कभी टूटता नहीं है ओके ओके लेट्स सी क्या बात है ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट 1 2 3 4 देखा चैलेंज हार गए आप जेठा जी अरे नहीं नहीं होता मैं तो सबने आवाज दी इसलिए वरना तो मैं बराबर जा रहा था प्लीज हाँ आपने ये कहा था कि आपका कंसंट्रेशन कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता है हाँ बराबर है लेकिन मेहता साहब कोई नहीं है ना मेहता साहब है कुछ भी हाँ जेठा जी प्लीज कुछ भी आप चैलेंज हार गए प्लीज आप एक्सेप्ट कर ही लीजिए अच्छा बाबा हार गया मैं बस बस जेठालाल सोडा पीने चले या कुछ देर और खेलना है खेलने की इच्छा तो है कोई बात नहीं फिर कभी चलो चलो सोडा पीने जाते हैं थैंक यू वेरी मच ओके ओके बाय एंजॉय चलो 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 अभी कट लो मत अभी अब मैं हां अभी ओके ये लीजिए यस कम ऑन तो बहुत टाइम हो गया अभी जेठा द्वारा मेहता साहब आ गए भाई आ गए क्या मेहता साहब आज इतना लेट कैसे हो गया जेठालाल की वजह से जेठालाल भाई आज तो मैं बबीता जी की वजह से लेट हो गया बबीता की वजह से कैसे हाँ उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कैसा चैलेंज वो फूल होता है ना बैडमिंटन का वो क्या 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 बैडमिंटन का वो फूल होता है ना तो बिना नीचे गिरा है वो रैकेट से कितनी बार ऐसा उछल सकते हैं वो चैलेंज अच्छा 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 लेकिन बबीता ने अचानक ये चैलेंज तुमको कैसे दिया नहीं नहीं अचानक नहीं तो क्या वो मैं घर से आ रहा था ना तो बबीता जी खुद वो रैकेट से ऐसा वो फूल उछल रहे थे तब मतलब उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि जेठा जी आप कितनी बार ऐसे उछल सकते हैं फूल को अब्दुल जल्दी सोडा पिला अब बता यार भाई आज बहुत नींद आ रही है आपको हाँ क्या है कि कल ऑफिस में प्रोजेक्ट मीटिंग रात को लेट तक चला फिर सुबह ऑफिस जल्दी जाना था इसलिए जल्दी जाग गया अरे नींद पूरा नहीं हुआ देखो ओ यार भाई ये आपकी वजह से हाथी भाई को और भीड़े को भी नींद आ रही है यार ऐसे तो तुम सबको सुला दोगे हाँ यार भाई आपकी नींद अभी लगता है उड़ानी पड़ेगी नींद क्या चिड़िया है जो उड़ाना पड़ेगा चिड़िया नहीं है लेकिन अगर आप कहो तो मैं चिड़िया की तरह आपकी नींद यूं उड़ा सकता हूँ अच्छा कैसे कैसे पपड़ला कैसे गुस्से छोड़ो मेरे को अपना नींद नहीं उड़ाना है मैं घर जाकर सोएगा तुमको चाहिए तो तुम अपना चिड़िया उड़ाओ अरे यार भाई चिड़िया नहीं नींद उड़ाने की बात हो रही है और मुझे नींद आ ही नहीं रही है अच्छा पपड़लाल तुम्हें नींद नहीं आने का प्रॉब्लम कब से हो रहा है अरे मैं अभी की बात कर रहा हूँ आती भाई अच्छा अच्छा ओ यरप्रा या बैठे बैठे ऐसे उबासिया लोगे तो हम सबको नींद आ जाएगी ओ जेठाप्रा ओ तुझी छेती करो ओ इना दी नींद उड़ाओ
उड़ाऊं? हाँ उड़ा उड़ा उड़ा। ओके तो अय्यर भाई एक काम कीजिए, आंख बंद करके 110 गिनिए लेकिन उल्टा। अरे ओ अय्यर, ओ उल्टा उल्टा मतलब उल्टा बैठना नहीं है, बैठना सीधा ही है, गिनती उल्टी करनी है, रिवर्स 10 9 8 7 6 5। आराम से भाई आराम से, मुझे भी अपनी कला दिखाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ओ हाँ तो आराम से 10 9 8 अच्छा ये ए तो रिदम में चला समझ ले। हाँ चालू करो गिनना आराम से। हाँ 10 9 8 7 6 5। ये क्या कर रहे हैं तुम? अरे क्या कर रहे हैं क्या? मैं आपकी नींद उड़ा रहा हूँ। ये देखो नींद उड़ाना नहीं ताड़ा उड़ाना बोलते हैं। यार जब बहुत नींद आती है ना तो इस तरह से सोडा से मुंह धोने से नींद उड़ जाती है। अरे हमारे जमाने में जब हम देर रात तक पढ़ाई करते थे ना तो नींद बहुत आती थी, तो नींद उड़ाने के लिए ऐसे सोडे को मुंह में मारते थे। जय डलाल, तुम तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर तुमको ये तो कैसे मालूम? क्योंकि मैं बढ़िया नहीं पर गणिया हूँ। मतलब? अरे मतलब मतलब छोड़ो ना भाई, आप मुझे ये बताओ आपका नींद उड़ गया ना, फ्रेश हो गए ना आप? नहीं मेरे को अभी भी नींद आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास ये सोडा से भी जोरदार एक अक्षर इलाज है। ओ आता क्या मान रहा डायरी बॉटल? ना रे तू भगे ना, जरा आंख बंद करो आप। मेरे को आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, मैं अपने घर पर जाकर ही आंख बंद करेगा, मैं जा रहा हूं। ये सोडा का अय्यर भाई से ले ले। वो ठंड रखो अय्यर प्रा, वो दोस्तों में ऐसी मस्ती मजाक तो होती रहती है। हाँ सही बात है, लेकिन ये जेठालाल को मैं ही मिलता हूँ हमेशा मजाक मस्ती करने के लिए। जेठालाल सॉरी बोल दो भाई, सॉरी बोल दो। सॉरी भाई सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठालाल, तुम इतना बड़ा हो गया फिर भी टप्पू से भी ज्यादा शरारत करता है। नहीं 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 नहीं, ये बात मैं नहीं मानता अय्यर। शरारत करने में टप्पू का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, जेठालाल भी नहीं। तू रही गया तो बोला अगर ना। अरे काय काय मला वाटतं तुला ना टपुरिया झालाय। टपुरिया? अरे लोगों को मलेरिया होता है, लवेरिया होता है, वैसे तुझे टपुरिया हो गया। जब देखो तब टप्पू टप्पू टप्पू। लेकिन एक बात मैं तुझे बता दूं, ये टप्पू और टप्पू सेना पूरे गोकुल धाम से बहुत प्यार करते। सही बात है, वो लोग हाँ शरारत करते लेकिन कभी ऐसी शरारत नहीं करते जिससे किसी को तकलीफ हो। सही बात है। अरे चाहिए तो लिस्ट बना के देख ले, टप्पू सेना ने आज तक जितनी शरारतें की है ना उससे कई ज्यादा अच्छे काम किए हैं। तो वो लोग भले लगते शरारती है लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए हैं। उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है वो उनको अच्छी तरह पता है। अरे डोमले जी प्रायोरिटी पता है, अभी जाके उनको पूछेंगे ना कि आगे लाइफ में क्या करना है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो पूछो, तुम शिक्षक हो? नहीं मैं तो शिक्षक हूँ पोपटला, लेकिन वो मेरे स्टूडेंट नहीं है ना अभी, तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ? हाँ पर किसी को तो पूछना पड़ेगा ना। ओ हाँ यारो, वो पढ़ाई के साथ साथ काम करेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, भणतर के साथ थोड़ा गणतर बहुत जरूरी है। हाँ पहले थियोरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट फाइनल होता है। सही बात है। दोस्तों मुझे लगता है कि टप्पू सेना उम्र के ऐसे दौर से गुजर रही है जब उनको बहुत पढ़ाई भी करनी है और साथ ही साथ ये भी तय करना है कि लाइफ में उनको क्या क्या करना है। हाँ मुझे लगता है कि इस वक्त टप्पू सेना को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। वो मेनू की लगता है कि हम पेरेंट्स टप्पू सेना को मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सही बात है भाई, हमारे गुजराती में तो कहावत भी है के पारकी माँ कान विंधे। क्या मतलब? हमने कान विंधवानो केम समझाऊ, समझाओ तो जरा। ये तो ऊपर नहीं समझो। इन शॉर्ट बच्चे कभी कभी पेरेंट्स की बात नहीं समझ पाते और यही बात कोई और समझाए तो जल्दी समझ जाते। हाँ, हाँ।
अट्रैक्टिव। हाँ, लेकिन समझाने वाला न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूटन तेतर कधीच गेला ना, ते त्याला नाही बोलवायचं। न्यूटन नाही, न्यूट्रल म्हणजे तटस्थ, मतलब नाहीस पक्ष का नऊस पक्ष का निष्पक्ष। हाँ कळलं कळलं नक्की। हाँ मतलब समझाने वाला न्यूट्रल होना चाहिए, तभी बात उनके दिमाग में आएगी। ऐसा तो यहाँ एक ही आदमी है जो ज्ञानी भी है, समझदार भी है और न्यूट्रल भी है। बिल्कुल मेहता साहब। मैं? हाँ, आप ही बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि आप समझदार भी है और ज्ञानी भी है। बराबर है जेठालाल, तुम बराबर बोल रहे हो। मेहता साहब आप प्लीज समझाइए टप्पू सेना को। हाँ आपकी बात बच्चों को जरूर समझ में आएगी। ठीक है मैं बच्चों से बात कर लूंगा, लेकिन मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत जरूरी है, वरना उनको ये लगेगा कि आप लोगों ने मुझे अपना एजेंट बनाकर भेजा। नहीं कोई बात नहीं, आपको जैसे बात करनी है वैसे आप बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए। सही बात है। ठीक है मैं बच्चों से बात कर लूं। कर लूंगा नहीं, कर लो अभी। अभी? हाँ कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बराबर ना? हाँ बराबर है, बराबर है। चलो भाई चलो चलो चलो। लेकिन सोडा तो पीने दो ना। हाँ ठीक है चलो सोडा पी के निकलते हैं। ठीक है भाई। दो दो मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। बड़ा 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 बड़ा। Well played. That's your turn. That's a good game. Okay. चलो चलो। अरे लो ये भी आ गए। गुड टाइम। चलो घर चलते। नहीं नहीं वही बताने आए थे कि तुम लोग जाओ घर पे, हमें जरा टप्पू सेना से मिलना है। आप लोगों ने टप्पू सेना को कहीं देखा है? क्लब हाउस में। पार्टलेट्स। चलो चलते हैं। चलो 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 तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कंटिन्यू उधर ही रहते हैं, बोला था ना दिन हो या रात। बता कोमल भाभी मिटली चिंता, बात करेंगे अभी सब लोग। चलो चलो ओके बाय 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 बाय। रेडी गोली ऑलवेज। कम ऑन। हाँ गोली का शॉट मारा है, सुपर। सोनू बताया था तुझे चैंपियंस ऐसे ही खेलते हैं भाई। सुपर यार। और तेरे को पता है अगर ये शॉट रिकॉर्ड हुआ रहता ना तो लोग बार बार रिप्ले करके देखते थे। चलो अच्छा अच्छा चल गोले गोले रिंकू टपोर। कौन रेडी? ये देखो है कोई भविष्य की चिंता, सब मस्त खेल रहे हैं। कुछ शांत हो जाओ मैं बात करता हूँ। और बच्चों हेलो 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 हेलो। क्या चल रहा है? बस टीटी का मैच हो रहा है। वेरी गुड, कौन जीत रहा है? मेरा अंकल कौन जीतेगा? चैंपियंस। नहीं नहीं मेहता अंकल ये चीटिंग कर रहा है। हाँ अंकल ये चैंपियन तो है लेकिन चीटिंग करने में। हाँ। लेकिन आप सब अचानक यहाँ? समझ गया, आप लोग सब हमारे लिए आइसक्रीम लाए हो ना। पुत्री आइसक्रीम पार्टी और मजा आ जाएगा। नहीं आज वैसे भी मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मूड कर रहा था। वैसे आइसक्रीम है कहाँ? अब्दुल भाई लेके आ रहे ए, गोड़िया हम लोग कोई आइसक्रीम लेके नहीं आए। हाँ ये मेहता अंकल आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्तों गोकुल धाम में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि टप्पू सेना पूरा दिन क्लब हाउस में खेलने के अलावा और कुछ नहीं करती। सारे माँ बाप को इस बात की चिंता है कि टप्पू सेना कहीं अपने रास्ते से भटक न जाए, और इस बात का समाधान निकालने के लिए उन लोगों ने लीडर मुझे चुना है। आप समझे नहीं? अरे भाई टप्पू सेना को समझाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, और किसी को किसी की ओर से समझाना और वो भी खास करके आजकल के बच्चों को, मतलब उल्टे पैर पहाड़ चढ़ने जैसा है या फिर सर पे बेलन से रोटी बनाने जैसा है, क्योंकि दोनों पक्षों की विचारधाराएं अलग अलग है और दोनों के बीच में पुल बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। क्या लगता है आपको,
क्या ये जिम्मेदारी मैं ठीक से निभा पाऊंगा? भाई मुझे तो बहुत ही फिक्र हो रही है। मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी सलाह से टप्पू सेना कुछ ऐसा करने वाली है जिससे गोकुल धाम में टेंशन का पारा और बढ़ने वाला है, और जब गोकुल धाम में टेंशन का पारा बढ़ता है तो आपके घर पे हंसी का मीटर बढ़ता है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।